क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? विनोद पूछो। सर ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। मैं पूछना, एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपकी बेटी और हम एक ही होने चाहिए ना? बात क्या है वो बताओ ना। मैं पूछना। अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये रखो तो। लाइट कैसे करो? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इंटर कॉलेज फेस्ट कवर करने आए फोटोग्राफर ने मर्डर के वक्त ये फोटो निकाली। यही फोटो है उनके खिलाफ सबूत के तौर पर। मेरे हिसाब से केस आगे ले जाने में ये फोटो हमारी मदद करेगी। इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी जस्टिस ने उनको बाइज्जत रिहा कैसे किया? इसके नीचे एक और फोटो है सर, वो पहले निकाली थी। कृष्ण कुमार की जान बचाने के लिए राजू खुद चाकू निकाल रहा था, ऐसा कोर्ट में बताया गया है। जस्टिस की मौत में इन त्रिमूर्तियों का कोई हाथ है? अगर ऐसा कोई सबूत मिले तो मुझे जल्द से जल्द बताना। मर्डर के दिन वहां से तीन लोग भागकर जा रहे थे, ऐसा जज की बेटी रेणुका का बयान है। और उन लोगों ने पुलिस के हाथ से बचने के लिए जो जीप और गन चुराई थी वो उसी घर के पीछे से पुलिस को बरामद हुई है सर। सब सबूत और जज की बेटी के बयान के आधार पर देखा जाए तो उन तीनों को ही मद्देनजर रखते हुए केस आगे ले जाना चाहिए सर। इन्वेस्टिगेशन के समय में डॉग स्क्वाड थी कहाँ? था सर, डॉग स्क्वाड की मदद से सिर्फ हमें अभी तक एक चाबी का गुच्छा मिला था। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मुजरिमों ने एक साजिश रची थी, वो सिर्फ प्रकाश सर जानते थे। हमें सबसे पहले जज के घर से शुरू करना चाहिए। सर यहीं पर जज की डेड बॉडी मिली थी। एक्सीडेंट में बेटे और बीवी के मौत के बाद और कुछ हुआ? और कुछ हुआ तो मुझे बताओ। ऐसा कोई खास रिश्ते के बारे में तो नहीं जानता, सिर्फ बेटी ही रहती है उनके साथ में। वो शादीशुदा है ना? जी हाँ, हस्बैंड फॉरेन में, बच्चे नहीं है। वो पहले ही चला गया था और इनको भी ले जाने की कोशिश की थी लेकिन ये तैयार नहीं थे क्योंकि वो अभी तक उनकी मौत के सदमे से निकल नहीं पाए। इनको लाना है कैसा? उस दिन सुबह यहाँ कोई आया था क्या जिसपे शक किया जा सकता है? दोस्त या कोई इंसान जिसपे शक किया जा सकता है? ऐसा कोई आया है याद नहीं आ रहा। देखो अच्छे से याद करके बताओ, कोई आया था क्या? नहीं, सर्वेंट्स को रखना पापा को पसंद नहीं है और ड्यूटी पे जो गुणवंत थे उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ये फोन आया तो पापा ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। तकरीबन सुबह के 3 बजे होंगे, कुछ आवाज सुन के मैं उठी, उठ के विंडो से बाहर देखा तो 3 लोग भागते हुए दिखे। कुछ तो गड़बड़ है ये सोच के मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी तक मेरे पापा। ठीक है प्लीज। चल ए, रोक गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोकना। अच्छा तो पुलिस से डर लगता है क्या? अरे गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? ऊपर से ओवर स्पीड मोटर व्हीकल एक्ट, लंबा जाएगा। चलो बाहर निकलो, जल्दी मारो। यहाँ से नहीं। कलेक्शन फिर से चालू किया क्या? कसम से नहीं सर। सर यहाँ ज्वाइन होने से पहले आप क्या करते थे? आज से सब बंधा। कसम से सब बंद। लो। और हाँ जी सर, अगली बार जब मिली तो मूछ इतनी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले को देखने पर वीरप्पन नहीं दिखना चाहिए, समझा? एजीपी यहाँ से लेके दफा हो जा। सर फिलहाल के लिए सुंदर है ना सर? अगर कुछ काम आएगा तो श्री कुमार को कॉल करूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। क्या बात है, तुम तो बहुत डिसेंट हो गए। सर मैं तो पहले से ही डिसेंट हूँ सर, ये मजबूरी में करता था पेट के लिए। सर ये है जज साहब के गनमैन अयप्पन पिलाई। कब से काम कर रहे हो तुम? 4 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा ये बताओ, ड्यूटी के वक्त कुछ गलती होने पे जज ने तुम्हें कभी चिल्लाया क्या? नहीं सर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो मुझे बहुत काबिल मानते थे। जस्टिस राघवन मेनन का कोई दुश्मन था क्या? कुछ धमकियां वगैरह? ऐसे कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं थे सर, लेकिन इस केस के दौरान उन्हें पूरे दिन कॉल पर धमकियां आती ही रहती थी।
लेकिन इन सब से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे कोई धमकियां हाल फिलहाल में आई थी क्या? नहीं सर। तो इसका ये मतलब कि आपको कुछ नहीं पता? चेहरे से ही पता लगता है। अब क्या है? कुछ नहीं पता करके। हाँ। अच्छा ये बताओ, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन तुमको फोन किसने किया था? वो तो मेरी पत्नी थी सर। फोन किया था या करवाया गया था, सच बोलना। करवाया था सर। सर जी अगले ही दिन बाईपास सर्जरी के लिए दिल्ली जाने वाले थे, साथ में मैं और रेणुका मैम जाने वाले थे। दिल्ली जाएंगे तो 3 महीने बाद ही आएंगे, ऐसा सोचकर मेरी परेशान हो गई, इसलिए मैंने ही बुखार का बहाना लिया और कॉल करवाया। लेकिन जाकर आने तक ये चाबी का गुच्छा आज से पहले तुमने कभी देखा है? नहीं सर। झूठ बोल रहा है क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा सुनो, है? तो ये चाबी का गुच्छा तुमने सच में नहीं देखा? नहीं सर। हाँ, ये चाबी का गुच्छा किसका है किसी को नहीं पता, और किसी को चाहिए भी नहीं। तो फिर ज्वेलरी वाले से जाकर हमको ही खुद पूछना पड़ेगा, वही है ना सुंदर अपना करेक्ट तरीका? तो फिर उसके लिए समय नहीं बर्बाद करते हैं सर, और वहाँ चलकर आपको ही मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। वैसे मैं तो रेडी हूँ सर। तो फिर चलते हैं। हाँ। हम क्राइम ब्रांच से हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सर? थैंक यू। देखो, कुछ समय पहले कत्ल हुए जज मिस्टर राघवन मेनन के कंपाउंड से ये चाबी का गुच्छा मिला है। क्या तुम इसे पहचानते हो? ये घर पे या दुकानों पे इस्तेमाल होने वाली तो नहीं लगती। मुझे लगता है लीगल चीजें छुपाने वाले सीक्रेट लॉकर के लिए बनाए गए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सर ऐसे एक गिफ्ट की चेन हमने अभी तक नहीं निकाला है सर। ऐसे एक सीक्रेट की हमको जरूरत ही नहीं है। सीधा साधा तरीके से चलने वाले, सच और भरोसे की बुनियाद पर बना हुआ एक बिजनेस एम्पायर है हमारा। ये लीजिए चाबियां, आप हमारे रिकॉर्ड्स और स्टोर चेक कर सकते हैं सर। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट गिफ्ट सब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है सर। सर वहाँ पूछोगे तो शायद कुछ भी मिल सकता है सर। ये लीजिए उनका कार्ड, जिस नाम मीडिया एडवर्टाइजिंग। एक की चेंज हम उनको इतने समय से गिफ्ट पे देते आ रहे हैं। वैसे ये तो रिजेक्ट किया हुआ है, कोई सैंपल में लेकर आया था। सर पहले कभी किसी ने तो लाया हुआ सैंपल है ये। कौन लेकर आया सैंपल? हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आता ही है। जब पार्टी को पसंद आता है तो ही हम उसे लेते हैं। अब ये तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ मॉडल है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पर होगा मुझे नहीं लगता। जब तक इस किचन का मालिक नहीं मिल जाता तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, समझे आप? हाँ बिल्कुल। कॉलेज में इस तरह की घटना पहली बार घटी है। कभी भी भरोसा नहीं कर सकते सर, आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ही ऐसा सोच पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मैं इन लड़कों को काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप लोग आगे भी ऐसे बोलेंगे कि ये कातिल है तो मैं बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, जान पहचान तो अच्छी बात है, पहचान का हो जाने से बेगुनाह तो साबित नहीं हो जाता ना। सबूत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए किसी को भी पूछताछ करने का हक हमें भी है। हम ऐसे ही पूछते रहेंगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या सर? हमको मिस राधिका मेनन से मिलना है। राधिका मिस को आने को बोलो। कृष्ण कुमार और जस्टिस राघवन मेनन के मर्डर के वक्त इनका प्रेजेंस काफी क्लियर है, समझी ना आप? तो पुलिस को उनको समय पे ढूंढ के निकालना काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यस मिस राधिका मेनन, मैं वार्गेसी एंथनी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। राधिका आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर हूँ। महाराष्ट्र में रहने वाले रिटायर्ड तहसीलदार जगन्नाथ मेनन के बेटे मिस्टर राघवन मेनन। राधिका उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? दूर के रिश्ते के मामा थे। डरो मत, मैंने ऐसे ही पूछा। क्या करूँ, इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है। ऐसे ही बेकार में पूछते रहते हैं, कुछ मिल जाएगा ये सोच। क्या सबूत? तो तुम्हारे वो खास स्टूडेंट आई मीन त्रिमूर्ति, अभी वो मेरे मेन सब्जेक्ट है। तो इस केस में मुझे आप दोनों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। मिस राधिका, मुझे अभी आपसे और बातचीत करनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। टेंशन नहीं लेना, ये फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन है, वही मेरा तरीका है। लेट्स गो। बोला ना, चलो। सर जज के घर की पिछले 3 महीने की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स की लिस्ट मिली है सर, क्या आप देखोगे सर? अभी जिस केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, बी केयरफुल। यस सर। वो लड़के जिस दिन भागे थे, उस रात को पुलिस ने पेट्रोलिंग अच्छे से की थी। स्टेट के सारे कोने कोपचे को मस्त एक रात में छान मारा उस